क्या हाल है मेरे दोस्त। तो आज क्वेरी आई है कि कैसे मैं अपनी एक्स को अपनी वैल्यू रियलाइज करवा सकता हूँ, कैसे उसको अपनी कमी महसूस करा सकता हूँ, कैसे उसको तड़पा सकता हूँ, जला सकता हूँ, कैसे उसको यह एहसास दिला सकता हूँ कि उसने किस इंसान को खोया है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सभी क्वेरीज के बारे में आपका भाई आपसे बात कर रहा है। मेरे दोस्त, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझको फेसबुक पर साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम मेरे से साथ शेयर कर सकते हो। तो अब वीडियो की ओर चलते हैं। मेरे दोस्त, आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी एक्स आपको जरूर मिस करेगी, आपको जरूर याद करेगी, उसको आपको वैल्यू जरूर समझ आएगी, उसको रियलाइज होगा कि उसने किस इंसान को खोया है। लेकिन इन सब स्टेप्स को आपको तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए तो 101% आपकी एक्स आपको मिस करने वाली है, आपकी वैल्यू उसको समझ आने वाली है, उसको रियलाइज होने वाला है कि उसने किस इंसान को खो दिया। तो मेरे दोस्त, पहला रूल, अपनी एक्स को किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको ब्लॉक नहीं करना है। कहीं पर भी आपको अपनी एक्स को ब्लॉक नहीं करना है, ना ही तो फेसबुक पर, ना ही इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, ब्लॉक नहीं करना है अगर आप अपनी एक्स को अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो। बिकॉज अगर आपने अपनी एक्स को ब्लॉक कर दिया तो उसको आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर आप कोई अच्छी पिक्चर पोस्ट करते हो तो भी नहीं, अगर आप कोई पोस्ट डालते हो वो भी नहीं पता चलेगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और हम क्या करने वाले हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहला टिप समझ लीजिए कि आपको अपनी एक्स को कहीं भी ब्लॉक नहीं करना है, बिल्कुल भी कहीं नहीं। तो नंबर वन टिप, कहीं भी ब्लॉक नहीं करना है। सेकंड टिप, जितना हो सके सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको एक्टिव रहना है मेरे दोस्त। नई नई पिक्चर पोस्ट कीजिए, दोस्तों के साथ जाते हैं वहाँ की पिक्चर पोस्ट कीजिए, कहीं भी इंजॉय करते हैं वहाँ की पिक्चर पोस्ट कीजिए, घूमने जाते हैं वहाँ की पिक्चर पोस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे स्टेटस अपलोड कीजिए, अच्छी अच्छी पोस्ट कीजिए। जितना हो सके आप एक्टिव रहिए, जितनी पिक्चर आप पोस्ट करेंगे, खुशी वाली पिक्चर पोस्ट करेंगे, एक्सप्लोर करते हुए पिक्चर पोस्ट करेंगे, यही पिक्चर्स आपकी एक्स को परेशान करने वाली है। उसको ये जरूर महसूस होगा कि मेरे जाने के बाद भी ये इंसान इतना खुशी से घूम रहा है, मज़े ले रहा है, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे जाने से, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाने से। तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि हर जगह उसको अनब्लॉक करके रखना है, मतलब ब्लॉक नहीं करना है, और अच्छे अच्छे पिक्चर पोस्ट करनी है। समझ आ गया। नंबर थर्ड मेरे दोस्त, करियर। अपने करियर पे आपको फोकस करना है। जो टाइम आप अपने रिलेशनशिप को दे रहे थे, अब वही टाइम का यूज़ करके आपको अपने करियर पर फोकस करना है। जितना हो सके करियर पर एक्टिव रहिए, अपने गोल्स को फॉलो कीजिए, अपने हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, जो आपको पसंद है उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। समझ रहे हो मेरे दोस्त। अगर आप अपने करियर पर अच्छे से मेहनत करते हो, अपना करियर बना लेते हो, तो इन फ्यूचर जब आपकी एक्स आपको कभी मिलती है या कभी देखती है या कभी भी आपको कहीं से भी आपके साथ कनेक्ट होती है, तो उसको समझ आएगा कि यार ये बंदा इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया जिसको मैंने छोड़ दिया था, ये सोचकर कि कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, गधों की तरह लाइफ जिएगा, वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो गया। और आपको यही चीज़ उसको रियलाइज़ करवानी है मेरे दोस्त, पर वो तभी रियलाइज़ होगी जब आप करियर पर मेहनत करोगे, अपने गोल्स को फॉलो करोगे। तो अच्छे से करियर पर मेहनत करो और उसको रियलाइज़ करवा दो कि तेरे जाने के बाद मैंने अपना करियर बनाया है। और ये इंसान जब देखता है कि मेरे जाने के बाद करियर इसका बन गया तो बहुत परेशान होता है। तो करियर पर मेहनत करो, उसको गलत साबित कर दो कि भाई तेरे छोड़ जाने से तुझे नुकसान है, मैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, अच्छा करियर बना चुका। तीन चीज़ें आपको बता दी। चौथी चीज मेरे दोस्त, आपको एक्सप्लोर होना है। जितना हो सके न्यू लोगों से मिलो, जितना हो सके अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, घुटन वाली जिंदगी मत जियो, ब्रेकअप वाला माहौल मत बना के रखो, फेसबुक पर सैड स्टेटस नहीं डालने हैं, व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस नहीं डालने हैं, किसी भी दोस्त को, किसी भी फ्रेंड को अपनी एक्स के ये चीज़ें नहीं बतानी है कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ या उसको याद कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, उसको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि हम उसको मिस कर रहे हैं। अगर आपने उसको ये रियलाइज़ करा दिया कि मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तेरे को सोच कर रो रहा हूँ, तो आप अपनी सारी की सारी मेहनत ख़त्म कर लो मेरे दोस्त। जितना हो सके ये चीज़ें नहीं बतानी है कि आप मिस करते हो या याद करते हो, कुछ भी हो जाए अपने फ्रेंड के साथ नहीं शेयर करना है, अपने दिल में रखो। हर जगह माहौल बना के रखो खुश मिजाज कि भैया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टड वाली ज़िंदगी जियो मेरे दोस्त। ये दुनिया दिखावे पे चलती है, सच्चाई बता रहा हूँ, जो दिखावा तुम करोगे वो दिखावा वो देखेगी, अच्छा दिखाओगे अच्छा देखेगी,
गधों वाली जिंदगी दिखाओगे गधों वाला दिखेगी। और दिखावा चलता है मेरे दोस्त, सच्चाई अपना लो, जैसी दुनिया वैसे हम बनो। दिखावा दिखाओगे वो परेशान होगी, असलियत दिखाओगे तुम परेशान रहोगे। इतनी चीज़ें समझा दी है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।